हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हुंडई एक्स्टर में इसकी स्मार्ट की के बारे में। मेरा जो मॉडल है एक्स्टर का वो है SX, ये सेकेंड टॉप है, उसके ऊपर ऑप्शनल आता है। उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, यहाँ कहीं पर मिलता होगा, क्या मालूम मेरे पास तो है नहीं। और जो SX है या उसके नीचे के जितने भी मॉडल हैं एक्स्टर के, तो उनमें ये वाली चाबी मिलती है, की मिलती है, रिमोट की मिलती है, स्मार्ट की है तब कहलाती है अगर यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन रहता, यहाँ कहीं होता शायद। और अब ये जो है चाबी मैन्युअली तो आपको लगानी पड़ती है, तो ये होगी अपनी रिमोट की, फिर आपकी मर्जी आप इसको स्मार्ट की बोल दो, जो बोल दो। तो ये ऐसी दिखती है और ये फ्लिप की है। और कैसे बाहर आता है बटन प्रेस करने से, चलो मैं स्लो मोशन में दिखाता हूँ। तो बटन प्रेस करने से इस तरह से ये बाहर आ जाती है और फिर ये जो है बाहर ही रहेगी। इसको आपको वापस से अंदर करना है, इसके तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं आएगी ऐसे, इसको प्रेस करना पड़ेगा, पूरा पूरा प्रेस किया है और ये आ जाएगी और ऐसे वापस अंदर ही रहेगी। इसमें तीन ही बटन है, तो देखिए लॉक बटन से क्या होगा, सिंपल एक कार लॉक हो जाएगी। ये देखो लॉक करने पर अभी मिरर फोल्ड हो जाएंगे। अनलॉक बटन से क्या होगा, तो सिंपल है, गाड़ी अनलॉक ही होगी, तो ये प्रेस किया अनलॉक बटन, कार जो है अनलॉक हो जाएगी। इसमें क्या, अगर आप चाहते हो कि आपकी कार का लॉक अनलॉक करने पर साउंड ना बजे, हॉर्न ना बजे, तो उसका वीडियो मैंने अलग से डाला है, जो मैं आपको यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, या आपको लास्ट वाले स्क्रीन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि आपका अगर लॉक अनलॉक साउंड बंद करना है तो कैसे कर सकते हो इस कार में। फिर होल्ड बटन से क्या है, इसमें देखो ये डिक्की का साइन बना ऊपर बूट, तो इसका यूज़ क्या है, मान लो कि आपने कार ना कहीं दूर लगा दी, ठीक है, कार कहीं आपने पार्किंग में कहीं लगा दी जो कि बहुत दूर है, और उसके बाद में मान लो आप किसी होटल पे रुको हो या कोई और आपकी कार में से जो है सामान निकालने वाला है और आप उसको नहीं जानते या भरोसा नहीं करते, या आप कार अनलॉक नहीं करना चाहते कि उसका हॉर्न बजे सब लोग अलर्ट हो जाएंगे, या पूरी अनलॉक नहीं करना चाहते, तो उस केस में क्या आप चाहते हो, जबकि सिर्फ डिक्की में रखा सामान निकालें, सिर्फ डिक्की खोलनी है आपको, तो क्या करोगे आप, कार लॉक ही रहेगी, उसी टाइम पर आपको ये बटन होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है, लिखा भी है। तो क्या करोगे, इसको जैसे ही होल्ड करके रखोगे तो 2 सेकंड में होल्ड करने के बाद जो है यहाँ से सिर्फ डिक्की अनलॉक होगी, ऑटोमेटिक ओपन नहीं होगी, सिर्फ डिक्की अनलॉक हो जाएगी और चारों डोर लॉक रहेंगे। और उसके बाद आपने डिक्की ओपन की आपके हाथ से मैनुअली जैसे नॉर्मली करते हो, और उसके बाद जैसे आप उसको क्लोज करोगे डिक्की को, तो आपको वापस डिक्की को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो ये फंक्शन है इस बटन का, मींस आपका सिर्फ डिक्की अनलॉक होगा, आप उसको ओपन करोगे और उसके बाद जैसे उसको क्लोज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली डिक्की लॉक हो जाएगी, फिर दोबारा नहीं खुलेगी बिना ये बटन प्रेस किए या अनलॉक किए। तो ये फीचर होता है इसका। अभी जो है कार लॉक है, ये देखिए, अभी नहीं खुल रही है, तो अभी मैं क्या करूँ, इसको दबा के रखूँगा, 2 सेकंड में खुल गई। और अभी मैं इसको सिर्फ डाउन कर दूंगा, अभी ये लॉक है, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो गई है। तो ये थे इन तीनों बटन्स के बारे में। ये पीछे उसका सीरियल नंबर टाइप कुछ दिया है। और पीछे सपोज आपको अगर इसका सेल
चेंज करना है, काम नहीं कर रहा, रिमोट बैटरी डाउन हो गई होगी, तो आप जो है इसके नीचे सेल होता है, तो उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी तो मेरी न्यू कार है और रिमोट काम भी कर रहा है, तो मैं नहीं चाह रहा कि इसको खोल दूँ फालतू में। तो जब भी वैसा होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, और साथ में ये भी पता चल जाएगा ना तब कि कितने साल तक चलता है अगर नॉर्मल यूज़ है आपका। तो ये थे इन तीन बटन्स के बारे में। और फिर ये जो है छोटी सी LED टाइप है, ये ब्लिंक होती है जो भी बटन प्रेस करते हो, तो इससे ब्लिंक होती है। और मैंने अभी तक इसमें कोई कार की कवर लगाया नहीं है, क्योंकि मुझे इसका ये फील अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अभी तक इसमें कवर लगाया नहीं है। इनकेस अगर ये टूट गई या कुछ हुआ तब शायद मैं कवर लगाना शुरू कर दूं, पर अभी तो मुझे उतनी ज़रूरत समझ में आ नहीं रही। लोग लगवा के रखते हैं, सही भी है, क्योंकि यार महंगी कार है, महंगी चाबी है, तो डैमेज नहीं होनी चाहिए, पर फिर वही बात है कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है। जो फीडबैक आता है बटन प्रेस करने में, वो विदाउट कवर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये तीनों बटन्स हो गई, यहाँ ये लाइट हो गई, यहाँ पर आप कुछ फैंसी बंदे हो, आपको यहाँ कुछ की का वो जो चैन होता है, की चैन होती है, वो सब लगाने का शौक़ है, यहाँ नहीं कई लोग एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, अगर आप उनमें से एक हो तो यहाँ से लगा सकते हो। मुझे तो वैसा कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे, मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे फिर ये चाबी मेरे पॉकेट में रखनी होती है जींस में, तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है, इसलिए ना मैंने कवर लगाया है ना ये कोई की चैन लगाई है। तो ये है आपकी रिमोट की, क्योंकि ऐसी दिखती है।